वेलकम टू नाइन अल्टीमेट। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज काफ़ी दिनों बाद मैं बोर्ड पे आया हूँ। आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा और मुझे भी लग रहा है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 67 BPSC जो आपका आने वाला है, इसके लिए कौन सी किताबें आपको पढ़नी है और क्या रणनीति रखनी है। आपको पता है कि BPSC एग्जाम का जो है सिलेबस बदल चुका है, तो बदलते सिलेबस को लेकर के मैं ये वीडियो आया हूँ आपके पास, ताकि आप लोग कुछ सीखें नए पैटर्न के आधार पर। और आप सब लोगों को बता दूं कि पिछली बारी जो मेरा बिहार विशेष का प्लेलिस्ट था, कई सारे टॉपरों ने भी कहा कि काफ़ी महत्वपूर्ण था, कई क्वेश्चन भी आए, तो आप लोग उसके लिए जुड़ सकते हैं। साथ में आप लोगों को मैं एक बात बताना चाहता हूं, यदि आप BPSC का करेंट अफेयर देखना चाहते हैं तो आप लोग कॉमेंट कर सकते हैं। आपके लिए मैं शानदार ढंग से 69 BPSC के लिए करंट अफेयर लेकर के आने वाला हूँ। आज की वीडियो में मैं ये भी नहीं बात करने वाला हूँ कि ई ऑप्शन पर भी बात नहीं करने वाला हूँ, ना आपका जो है नेगेटिव मार्किंग, कुछ भी चीज़ पे बात नहीं करूंगा। आज का सिर्फ टॉपिक है 69 BPSC के लिए रणनीति, क्या रणनीति रखे कि आपका एग्जाम क्लियर हो सके और कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए। किताब लेकर के भी मैं आया हूं ताकि आप लोग देख सके। पिछली बार 67 में जो मैंने बुक लिस्ट बताया था और 69, इस दोनों में बहुत फर्क हो चुका, क्योंकि सिलेबस पैटर्न, परीक्षा का पैटर्न बदल चुका है, पैटर्न जो है पूरी तरह से बदल चुका है। तो आप सब लोग वीडियो में अंत तक बने रहे। और एक और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग टेलीग्राम चैनल से तो जुड़े ही जुड़े, साथ में हमारा इंस्टा आईडी है nayan.ultimate, इस नाम से इंस्टाग्राम की आईडी है, तो आप लोग इंस्टा आईडी को प्लीज, अगर आप इंस्टाग्राम पे है तो फॉलो कर सकते हैं। अब शुरुआत से शुरू करते हैं कि कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए। इस बार BPSC में आपको मैं बता दूं कि नेगेटिव मार्किंग भी है, उन सब चीज़ों के लेके वीडियो आती रहेगी। अब आ चुका हूँ आप लोगों के लिए, तो आप लोग भी कम से कम वीडियो देखने के बाद शेयर करें। अब देखो बुक लिस्ट में चर्चा करने वाले कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ हिस्ट्री के बारे में, हिस्ट्री यानी कि इतिहास। लगभग लगभग बिहार का और भारत का इतिहास यदि मिला दिया जाए तो 30 से 35 क्वेश्चन यहां से बनता है, प्रीवियस ईयर के आधार पर मैं बता रहा हूं। तो आप लोग देख सकते हैं 30 से 35 नंबर आपको इतिहास से मिल सकता है ढंग से मेहनत कर। इसके लिए क्या पढ़नी चाहिए, देखो तो इतिहास के 3 पार्ट है। सबसे पहले हम भारत के इतिहास का बात कर रहे हैं, बिहार विशेष तो बाद में बात करेंगे, इसके लिए प्लेलिस्ट भी है। तो भारत के इतिहास का टोटल 3 पार्ट है, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक। इनमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है आधुनिक भारत के इतिहास से होता है, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिएवल और मॉडर्न। मॉडर्न हिस्ट्री से सर्वाधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको मॉडर्न हिस्ट्री पे विशेष रूप से फोकस करने की जरूरत है। तो प्राचीन भारत के लिए आप लोगों को ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक बुक है, आप लोग बस उसी को 3-4 बार पढ़ लो। और आज की इस वीडियो में हम टाइम टेबल पर भी बात करने वाले कि आपकी क्या टाइम टेबल रखे ताकि आपका रिजल्ट वगैरह हो सके ढंग से। अभी अब बहुत कम समय बचा हुआ है, अगर काटकूट 60 दिन ही मान करके चलो, क्योंकि बीच में कई दिन डिस्टर्ब होते रहते, इधर उधर कुछ कुछ काम सबका हो ही जाता है कुछ ना कुछ। तो देखो एनिशेंट हिस्ट्री के लिए इसके अलावा कुछ नहीं पढ़नी है। साथ में एक बुक मैं और लेकर के आया हूं जिससे आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेनी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेने के बाद क्या होगा, आपका जो है पूरी तरीके से अपने आप में, मतलब आप कॉन्फिडेंस में आ जाओगे। तो एनिशेंट हिस्ट्री के लिए आप लोग रामचरण शर्मा वाली किताब ले सकते हैं, इसमें आप लोग देख सकते हो एक बार, देखो कौन कौन सा इसमें दिया हुआ है सब कुछ चैप्टर वगैरह, आप लोग एक बार देखने का प्रयास करें। यहां पे आप लोग देखें सबसे पहले दिया हुआ है भारत की प्राकृतिक, फिर वर्षा, तांबे, लोहे, अयस्क के निक्षेप, नव पाषाण युग दिया हुआ है, इसके बाद ताम्र पाषाण कालीन स्थल, इसके बाद हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा से आपको क्वेश्चन दिखेगा ही दिखेगा, हड़प्पा बढ़िया से पढ़ना है। इसके बाद हो गया भारत में चित्रित, धूसर, मृद्भांड हो गया, महाजनपद हो गया। भारत में जैसे कि 16 महाजनपद थे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, जब महाजनपदों का दौर चल रहा था उस समय भारत में 16 महाजनपद थे, जिसमें मगध सर्वाधिक शक्तिशाली रहा, और मगध के आसपास जितने भी वंश आए हैं इसमें आपको विशेष रूप से फोकस करने की जरूरत है। हरियक वंश हो गया, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, इन सब पे बढ़िया से आप लोगों को पढ़ने की जरूरत है। इसके बाद आपका हो गया उत्तर काले पॉलिशदार मृद्भांड हो गया, अशोक साम्राज्य बढ़िया से पढ़ना है मौर्य काल में आकर के, फिर इस तरह से मध्य एशिया से संपर्क हो गया भारत 150 ईस्वी के लगभग, तमाम सारी चीज़ें इस तरह से गुप्त साम्राज्य वगैरह हो गया।
तो आप लोग एंशेंट हिस्ट्री के लिए इस किताब को पढ़े। और इसको पढ़ने के बाद एक किताब मैं आप लोगों को बता दूं, दृष्टि का है, काफी शानदार है ये बुक, आप लोग देख ले, मार्केट में आपको मिल जाएगी। इसमें जो है क्वेश्चन दिया हुआ है ढंग से, बदलते पैटर्न के परिदृश्य में, मतलब ये बढ़िया आप लोगों के लिए रहेगा। एक बार आप लोग एंशेंट हिस्ट्री पढ़ ले और यहाँ से क्वेश्चन बना ले, और क्वेश्चन के नीचे आप लोग देखो यहाँ पे कितनी बढ़िया ढंग से जो है दिया हुआ है सॉल्यूशन वगैरह का, एक क्वेश्चन से आपका कई क्वेश्चन हो जाएगा, तो हिस्ट्री में आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगा। एंशेंट बता दिया। मेडिवल के लिए आप लोग सतीश चंद्रा पढ़ सकते हैं, एक बार सतीश चंद्रा पढ़े मेडिवल के लिए, और मॉडर्न के लिए बिपिन चंद्रा या फिर स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम तो आप लोगों के पास होगा ही, तो स्पेक्ट्रम से भी आप लोग मॉडर्न को बढ़िया से पढ़े, स्पेक्ट्रम अच्छी किताब है। और ये वाली जो बुक मैं आपको दिखाया यहाँ पे, इसमें तीनों दिया हुआ है, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक, तीनों दिया हुआ है। तो इस किताब को आप लोग जरूर पढ़े ही पढ़े, तो आपका इतिहास का मामला क्लियर हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं साइंस की तरफ, रुक करने का प्रयास करते हैं। इसके बाद मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कटअप 68 बीपीएससी में क्या कटअप गया था, कटअप मतलब कितनी जाने की संभावना, मतलब क्या टारगेट लेकर के चलना है आपको, ताकि एक बात आप लोग याद रखो, यदि आपको किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन चाहिए तो पूरा 100% फोकस करना होगा। आज के दौर में आप लोगों को बता दूं, जब से कोविड आया है तब से जॉब इतनी महंगी हो गई है, कोई भी जॉब क्यों ना हो उसमें बहुत ज्यादा, मतलब आपको कई लोगों को मैं जानता हूं पॉइंट नंबर से जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है, एसएससी सीजीएल वगैरह में और भी कई पीसीएस में पॉइंट से फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि इस ऐसे लोगों का फोकस एक एग्जाम पे नहीं होता है, जैसे अभी बीपीएससी या बिहार का डाल दिया, फिर यूपी पीसीएस डाल दिया, सीजीएल डाल दिया, एमटीएस डाल दिया, तो इस तरह से यदि आप भटकोगे तो भी कुछ नहीं होने में, कम से कम एक एग्जाम पे बढ़िया से फोकस करने की जरूरत है आप लोगों को, और ढंग से पढ़ने की जरूरत है, सिलेबस के अनुसार ही पढ़े, जो भी सिलेबस उसके अनुसार, और रिविजन सबसे इंपॉर्टेंट है, कोई भी एग्जाम क्यों ना हो दुनिया का, बिना रिवीजन के कुछ नहीं होगा, इसलिए आपको रिवीजन करके, रिवीजन पे मैं बात करने वाला हूं, तो वीडियो में अंत तक बने रहना है। और इंस्टा आईडी को आप लोग जरूर फॉलो करें, कोई भी डाउट हो तो इंस्टाग्राम पे आप सब लोग मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं, कुछ आप आलतू फालतू मैसेज नहीं कि कुछ भी मैसेज कर रहे सर कैसे हो क्या हो, इस तरह से नहीं, कोई इंपॉर्टेंट डाउट हो, बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, तब जाके आप लोग मैसेज करें, बाकी फॉलो कर दे आईडी को। चलो अब चलते हैं साइंस की तरफ, तो आपको बता दू कि साइंस से भी लगभग 30 क्वेश्चन तो रहता है, 25 से 30 मान करके चलो आप, 25 क्वेश्चन से लेके 30 क्वेश्चन तक साइंस से रहता है बिहार के एग्जाम में। और आप लोगों को बता दूं कि 68 बीपीएससी में मैं इतना काम नहीं किया था बीपीएससी पर, इस बार ढंग से करंट अफेयर कराने वाला हूं। यदि आपको करंट अफेयर चाहिए तो आप सब लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, देखता हूं कितने लोगों को जरूरत है, फिर आपको जो है 10-12 वीडियो मैं दूंगा ढंग से, इससे बाहर करंट कहीं नहीं जाएगा। साइंस के लिए आप लोगों को पता है, आप लोग क्रॉन या लुसेंट तो पढ़ ही रहे होंगे, साथ में एक मार्केट में खान सर का नोट काफी बढ़िया है, खान सर पढ़ाते भी बहुत शानदार है साइंस, तो आप लोग देख सकते हैं खान सर का जो है ये बायोलॉजी का, जैसे कि आप लोग मार्केट से निकलवा सकते हो या फिर खान सर के एप्लीकेशन पे भी अगर कोर्स लेते हो तो वहां भी आपको मिल जाएगी, ये साइंस की वीडियो बहुत शानदार दिया हुआ है, बायोलॉजी है, फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों है, तो साइंस के लिए आप लोग खान सर से मतलब पढ़ सकते हो, या पढ़ने के बाद अगर पढ़ने का टाइम नहीं है तो मार्केट में आप लोग जाओ और इस तरह से खान सर का जो साइंस का नोट है उसे आप लोग ले आके पढ़ लो, बाहर साइंस कहीं नहीं जाएगा, साथ में लुसेंट क्रॉन तो है ही, और प्रीवियस ईयर जरूर देख करके जाना साइंस में। साइंस में कम से कम आप लोग यूपी पीसीएस और बिहार पीसीएस दोनों का जो है प्रीवियस ईयर देख करके जाओ साइंस में, साइंस आपकी बढ़िया हो जाएगा। अब रही बिहार स्पेशल, बिहार स्पेशल भी वही 18 से 20 क्वेश्चन हुआ करता है, तो बिहार स्पेशल के लिए आप लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं है, इम्तियाज अहमद वाली जो किताब है उसको पढ़े, और साथ में नए अल्टीमेट चैनल पे कुछ प्लेलिस्ट में वीडियो डली हुई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, उसे भी आप लोग देख सकते हो, पिछली बारी काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा था। अब रही बात करंट अफेयर, तो करंट अफेयर के लिए आप लोग जो मैगजीन पढ़ रहे हो अभी पढ़ो, बाकी मैं वीडियो लेकर के आऊंगा, बाकी आप लोग एक या दो मैगजीन से कोई भी एक साल का हो तो ढंग से पढ़ ले। अब ज्योग्राफी, इस बार देखो पैटर्न बदल चुका है, हो सकता है ऐसा नहीं उम्मीद करना है कि इतिहास से 30 क्वेश्चन ही आएगा, हो सकता है उलटफेर भी हो सकता है कुछ, तो ज्योग्राफी आपको अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। ज्योग्राफी के लिए आपको कुछ नहीं करे आप लोग, एनसीईआरटी जो है ये देखो, एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक अभी टाइम भी है, एक दिन में देखो 6 का कंप्लीट हो जाएगा, एक दिन में 7th, एक दिन 8,
तीन चार दिन नाइन्थ में लगेगा, तीन चार दिन टेंथ में, आप पाँच सात दिन मान लो इलेवन ट्वेल्थ में लग जाएगा, पाँच पाँच दिन मान लो। तो आप लोगों को इस तरह से भी टाइम भी है, लगभग 60-65 दिन बचा हुआ है। तो आप लोग ढंग से जो है साइंस भी, साइंस पढ़ने के बाद ज्योग्राफी भी ठीक से करें, ताकि इन्वायरमेंट वगैरह का भी क्वेश्चन आएगा तो वहाँ से आपको हो जाएगा सॉल्व। प्रीवियस ईयर देख करके जाना है। पॉलिटी के लिए आप लोग लक्ष्मीकांत वगैरह का देख लेना, साथ में मैं कोशिश करूँगा कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट बताने का प्रयास करूँगा। इकोनॉमी के लिए भी क्रॉन से आप लोग इकोनॉमी पढ़ ले, प्रीवियस ईयर बना ले, और मैथ्स, मैथ में प्रीवियस ईयर सोल्व कर ले कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथ्स के लिए, जैसे परसेंटेज हो गया जहाँ से हर बार क्वेश्चन होता है, DI हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, इन सब टॉपिकों को ढंग से कर ले। बाकी इसी रणनीति और यही बुक लिस्ट आप लोग रखें प्रीवियस ईयर बार। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा आप लोगों को कि आप सब लोग रिविजन जरूर करना, डेली जो भी पढ़ना उसको बढ़िया तरीके से जो है रिविजन करना है ढंग से। अब यहाँ पे देखो कट अप दिया हुआ है, इसके बाद हम आप लोगों को टाइम टेबल भी बताऊंगा कि किस टाइम टेबल के अनुसार चले ताकि आपका रिजल्ट अच्छा हो सके। आज काफ़ी दिनों बाद मैं बोर्ड पे आया हूँ तो स्टूडियो में यहाँ पर लाइट की थोड़ी सी कमी है, नेक्स्ट क्लास में प्रयास करूँगा कि उसे मैं ठीक कर दूँ। अब देखो 68 BPSC का कट अप है, जनरल का 91 गया था नेगेटिव मार्किंग के बाद है। पहले जो BPSC हुआ करता था उसमें नेगेटिव मार्किंग होता नहीं था तो कट अप ज्यादा जाया करते, लेकिन नेगेटिव गया, लेकिन फिर भी कट अप देखो है ही है, कट अप कम नहीं गया है, क्वेश्चन का लेवल पता है आप लोगों को। तो अब पिछली तरीके से पढ़ने से नहीं होगा, पिछली बारी बहुत ऐसे लोगों को मैंने देखा, कई यूट्यूबरों का भी कहना है कि आपका सिलेक्शन ऐसे नहीं होगा, इस बार जी जान लगाना होगा आपको, पूरी तरीके से अपने आप को उसमें झोंक देना होगा, 100% देना होगा। अभी 60-70 दिन इधर उधर बिल्कुल नहीं, कुछ अगर सोचोगे, कुछ नया चीज आया दिमाग में तो गया, फिर कहीं के नहीं रहोगे। फिर यही होगा कि इस बार भी रिजल्ट जो है पॉइंट से चूक गया, कितना मार्क्स लाए तो ठीक ही थे लेकिन हुआ नहीं। फिर कौन पूछता है, जब तक फाइनल सिलेक्शन आपका नहीं होगा तब तक कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए आप लोग फाइनल सिलेक्शन के लिए अभी से ध्यान दे, ढंग से NCERT पढ़ोगे, अभी से कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आगे UPSC वगैरह की भी तैयारी करोगे, या जो लोग कर रहे हैं उसे काम जरूर कहीं ना कहीं देगा। अब जनरल की बात करते, 91 गया था जनरल, फीमेल में 84 गया था, EWS का कट ऑफ 87.25 गया था। EWS फीमेल की बात करें तो 81.25, ST 79.25, ST फीमेल की बात किया जाए 66.25 गया था, ST की बात किया जाए तो 74 कट ऑफ गया था, ST फीमेल 65.75 गया था, EBC की बात किया जाए तो EBC के कट ऑफ 86.50 गया था, EBC फीमेल 76.75, BC की बात किया जाए तो 87.75 और BC फीमेल 80 गया था। इस बार आपको देखो कहा जाता है आसमान से गिरोगे, एक बड़ा अच्छा सा मैंने देखा था कहीं कुछ लिखा हुआ था कि सपने हमेशा बड़ा देखना चाहिए, आसमान से गिरोगे तो खजूर पे गिरोगे, पता नहीं ऐसे कुछ था, मैं अभी भूल रहा हूं। तो आप लोग अपना टारगेट देखो 100 नंबर लेकर के चलो, कोई भी हो 100 नंबर सोच के चलोगे, अभी से कम से कम 100 नंबर की टारगेट रखना चाहिए। नेगेटिव मार्किंग है ये भी ध्यान रखना है और ढंग से पढ़ना है। देखो आपको प्रतिदिन अभी 8-10 घंटे डेली पढ़ाई करो, 2 घंटे का टाइम आप लोगों को रखना है अपना रिवीजन के लिए, जो भी पढ़ाई किया उसमें रिवीजन करो डेली, सुबह को उठते समय और रात को सोते समय 2 टाइम रिवीजन करनी है, 1-1 घंटे जो भी पढ़ा जल्दी जल्दी फटाफट ऐसे करके, मान लो कोई चीज पढ़ लिया तो ऐसे रिवीजन करने में क्या जाएगा, ऐसे 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 तुरंत तुरंत रिवीजन कर लिया। तो बाकी यही है, आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले दिनों में BPSC का प्रीवियस ईयर भी मैं कराऊंगा आप लोगों को, तो आप सब लोग इसके साथ जुड़े, और करंट अफेयर भी लेकर के आया हूँ। बाकी आप सब लोगों को धन्यवाद।